गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के दो मूल मंत्र है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। अगर शिक्षा अच्छी है तो वो कभी झुकने नहीं देगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज है, तुम्हारे अंदर कुछ करने का टैलेंट है, तो वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। और अगर संस्कार अच्छे हैं तो संस्कार तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे करंट के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस है करंट के, पहले उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मुंबई ACG में तैनात CAPF अधिकारी गीता समोटा किस चोटी को फतेह करने वाली पहली अधिकारी बन गई। यानी ACG में तैनात है, कौन है, गीता समोटा अधिकारी है, किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बनी है, माउंट एल्ब्रुस चोटी पर फतेह करने वाली पहली अधिकारी बन गई, कौन, गीता समोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस स्मारक का लोकार्पण किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस स्मारक का लोकार्पण किया, जलियावाला स्मारक कहाँ पे किया, अमृतसर में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से किस चीज़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई। 1 जुलाई 2022 से किस, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो वो है एकल उपयोग प्लास्टिक पर। यानी प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कब से, 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका स्थित सामुदायिक निकाय इंडिया स्पोरा की ओर से जारी पहली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में परोपकारी गतिविधियों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले शीर्ष उद्योगपतियों में किन्हें प्रथम स्थान मिला। यानी परोपकारी गतिविधि के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे कौन कौन से उद्योगपति हैं जिनके तीन श्रेणियों में जिनके नाम चुने गए हैं। कहाँ, ये अमेरिका में जो सामुदायिक निकाय था इंडिया स्पोरा की ओर से जारी की गई थी ये रिपोर्ट। ठीक है, और उसमें तीन ऐसे उद्योगपति के नाम दिए गए जो किसमें, परोपकारी गतिविधियों में अपनी पहचान बनाने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहले तो है गौतम अडानी जो प्रथम स्थान पर है, सेकंड है नीता अंबानी जो द्वितीय स्थान पर है, और थर्ड है कुमार मंगलम बिड़ला जो तृतीय। गौतम अडानी प्रथम स्थान पर, नीता अंबानी सेकंड पर, और कुमार मंगलम बिड़ला तृतीय स्थान पर। ये तीन ऐसे उद्योगपति हैं जो परोपकारी गतिविधियों में के जरिए जिन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई है, और किसने रिपोर्ट जारी की है, अमेरिका के सामुदायिक स्थायी निकाय इंडिया स्पोरा ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि PM मोदी किस बहस की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी जी, कौन सी ऐसी बहस थी वो जिसमें बहस करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए, तो कौन सी थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ओपन डिबेट थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ओपन डिबेट में बहस करने वाले PM मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश CJP मुशीर आलम ने रिटायर होने के पहले किस महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश है, वो रिटायर होने से पहले उन्होंने एक महिला का नाम दिया है कि मेरे बाद इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, तो उस महिला का नाम क्या है, उस महिला का नाम है जस्टिस आयशा मलिका का नाम दिया है। उन्होंने सिफारिश की है कि मेरे रिटायर होने के बाद इन्हें जस्टिस बनाया जाए, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहाली कहाँ पे है, पंजाब में। मोहाली की रहने वाली अनुरीत कौर पाल दुनिया की पहली अलगोजा बजाने वाली। अलगोजा आपने बचपन में देखा होगा, मेले लगते थे बचपन में, अलगोजा एक लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें छेद होते हैं ऐसे बांसुरी की तरह के होता है दिखने में, उसे अलगोजा बोलते हैं। ठीक है, तो अलगोजा बजाने वाली पहली महिला बन गई है, कौन है वो पहली महिला, अनुरीत कौर।
अनुरीत कौर पाल जो पंजाब की है, मोहाली की है, इस कारण उनका नाम किस में दर्ज किया गया? वो पहली महिला बनी अलगोजा बजाने वाली, इस कारण उनका नाम किस में दर्ज किया गया, क्वेश्चन ये है। तो उनका नाम दर्ज किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, भारत के जो बुक है रिकॉर्ड की उसमें उनका नाम दर्ज किया गया है। किनका? अनुरीत कौर पाल का, जो पंजाब की रहने वाली है, जिन्होंने अलगोजा बजाया, अलगोजा बजाने वाली पहली महिला बनी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उन्मुक्त चंद ने क्या किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले थे ये, और इन्होंने 28 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किसने? आदि गोदरेज ने। और उनकी जगह किसे चेयरमैन बनाया गया? तो उनकी जगह नादिर गोदरेज को चेयरमैन बनाया गया। गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज के जैसे सामान लेते हैं ना, गोदरेज का फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये गोदरेज इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है आदि गोदरेज, उनका नाम है आदि गोदरेज, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उनकी जगह चेयरमैन किसे बनाया गया? नादिर गोदरेज को चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? तो कितने मामले सामने आए? 38,668 मामले सामने आए और 478 की डेथ हो चुकी है। कितने मामले सामने आए? 38,668 और 478 की डेथ हो चुकी है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि मुंबई ACG में तैनात CAPF अधिकारी गीता समोटा किस चोटी को फतेह करने वाली पहली अधिकारी बन गई? कौन किस चोटी को फतेह किया उन्होंने? माउंट अलब्रुस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस स्मारक का लोकार्पण किया? तो किसका लोकार्पण किया? जलियांवाला स्मारक का, जो कहाँ पे है? जो अमृतसर में है, अमृतसर में स्मारक बनाया उन्होंने, ठीक है। देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से किस चीज़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई कि 1 जुलाई 2022 के बाद प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अमेरिका स्थित सामुदायिक निकाय इंडिया स्पोरा की ओर से जारी पहली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में परोपकारी गतिविधियों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले शीर्ष उद्योगपतियों में किन्हें प्रथम तीन स्थान प्राप्त हुए? तो प्रथम स्थान तो प्राप्त हुआ गौतम अडानी को, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ नीता अंबानी को, और तीसरा हुआ कुमार मंगलम बिड़ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि PM मोदी किस बहस की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले PM बन गए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ओपन डिबेट के पहले PM बन गए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश CJP मुशीर आलम के रिटायर होने से पहले किस महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई? उन्होंने सिफारिश की है कि मेरे बाद इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। कौन है वो महिला? जस्टिस आयशा मलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहाली की रहने वाली, पंजाब की रहने वाली अनुरीत कौर दुनिया की पहली अलगोजा बजाने वाली महिला बन गई, इस कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी और अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था इन्होंने, किन्होंने? उन्मुक्त चंद ने, क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उनका नाम क्या है? उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह किसे चेयरमैन बनाया गया? नादिर गोदरेज को चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? तो 38,668 मामले सामने आए और 778 की डेथ हो चुकी है, ठीक है। ये करंट के 10 क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने आपको दो बार रिवीजन करा दिया, ठीक है। फिर जो मैंने उसमें उत्तराखंड की शुरुआत की थी, उत्तराखंड के लिए मैं अपनी अलग से एक क्लास बनाऊंगी, उसमें आप पढ़ेंगे, वो स्पेशल उत्तराखंड के लिए ही होगी। और अभी आज हमने करंट के 10 क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे अलग सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे,
तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो हम मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, सबके अलग अलग टीचर की अवेलेबल करेंगे आपके लिए, लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है सब पे शेयर कीजिए, ठीक है? तब जब आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ आगे हो सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट अलग टॉपिक के साथ, क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।